हेलो दोस्तों, गेट्स मैचेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल या जब तक आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, तब तक आपको कॉन्सेप्ट का पूरा अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैं पूरे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल लिया है और इस शेड्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के क्वेश्चंस जो है वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। और जो कॉन्सेप्ट है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। एक बार आप वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज मिलेगी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पे एक न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हमारे पास एक शेड्यूल दिया है। उस शेड्यूल में तीन ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2, T3, और यहां पे टाइम स्टैम्प दिया है 100, 200, 300। तो इसका मतलब क्या है कि जो T1 है वो आपकी ओल्डेस्ट है और जो T3 है वो आपकी यंगेस्ट है। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को नहीं बता रहा। तो लास्ट वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये लिंक्ड वीडियो है, तभी आपको कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज आएगी। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है, रीड ऑफ ए। मतलब सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले आ रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में हमेशा याद रखें कि T1 सबसे पहले कंप्लीट होगी, फिर T2 कंप्लीट होगी, फिर T3 कंप्लीट होगी। ये इसी तरीके से फॉलो करता है कि बेस्ड ऑन देयर अराइवल, जो पहले आई वही पहले कंप्लीट होगी। तो T1 सबसे ओल्डेस्ट है तो वो पहले कंप्लीट, फिर T2 कंप्लीट, फिर T3 कंप्लीट। यहां पे हमारे पास रूल्स है, इन रूल्स को हमने अब अप्लाई करना है। रूल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां पे हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। और उसको अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे ए बी सी तीन वेरिएबल्स पे हम काम कर रहे हैं, ए बी और सी पे। तो मैंने यहां पे लिख दिया रीड टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प, हमने हर एक वेरिएबल का निकालना है, वो मैंने यहां पे बना दिया। इस तरीके से आप एक टेबल बना लो। और ये 0 0 क्या है, इनिशियली सारी वैल्यूज क्या है, 0। तो हम इनको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है, रीड ऑफ ए। कौन कर रहा है, T1। सो T1 डूइंग द रीड ऑफ ए। तो आ जाओ आप यहां पे, ट्रांजेक्शन T1 इश्यूज अ रीड ऑफ ए। ठीक है, रीड ऑफ ए कौन कर रहा है, T1 कर रहा है। तो हमने चेक क्या करना है, राइट टाइम स्टैम्प चेक करना है। क्यों, रीड का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है, राइट के साथ। तो हमने राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए चेक करना है। तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए कितना है, 0। 0 ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ T1। टाइम स्टैम्प ऑफ T1 कितना है, टाइम स्टैम्प ऑफ T1 कितना है, 100। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। तो आपको यहां पे रोल बैक कुछ नहीं करना, सीधा अदरवाइज पे आ जाओ, एल्स पे आ जाओ। एग्जीक्यूट द रीड ऑफ ए सक्सेसफुली एंड सेट आरटीएस ऑफ ए। RTS ऑफ A को सेट कर लो, क्योंकि हमने रीड करना ना। तो RTS क्या होता है, जिसने अभी अभी रीड किया, लेटेस्ट किसने रीड किया, उस ट्रांजेक्शन को हमने यहां पे सेव कर देना, उस ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प को हमने यहां पे लगाना है। तो कैसे लगाना है, RTS ऑफ A हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ RTS ऑफ A, अभी RTS ऑफ A कितना है, 0, और टाइम स्टैम्प ऑफ T1 कितना है, 100। ये देखो ना, टाइम स्टैम्प ऑफ T1 कितना है, 100। तो 0 और 100 में से मैक्सिमम कौन सा है, 100। तो आप इसको अपडेट कर दो 100 में। बस इस तरीके से आपको एक एक करके अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, रीड ऑफ बी। कौन कर रहा है, T2। नेक्स्ट इसके बाद कौन आ रहा है, T2। T2 इज डूइंग द रीड ऑफ बी। तो देखो, रीड के लिए हम हमेशा ये करते हैं, ये रीड के लिए है और राइट के केस में ये है। तो रीड के केस में T2, अब TI में क्या हो गया, T2। T2 इश्यूज आर रीड ऑफ बी। याद रखना, ये सिर्फ ए के लिए नहीं है, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए यहां पे ए लिखा है। आप जैसे वेरिएबल आता है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेना, बी आता तो बी, सी आता तो सी, डी आता तो उसके हिसाब से। तो रीड ऑफ बी करना है। तो अब हम चेक करेंगे राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी। तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी कितना है, 0। 0 ग्रेटर देन व्हाट इज द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन जो ये कर रही है, कौन कर रहा है, T2। तो देखो, 0 ग्रेटर देन 200 है, नहीं है। तो हमने कुछ नहीं करना, यहां पे else पे आ जाओ, अदरवाइज एग्जीक्यूट द रीड ऑफ ए सक्सेसफुली एंड RTS ऑफ बी। RTS ऑफ बी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ RTS ऑफ बी। RTS ऑफ बी कितना है, 0, और कौन सी ट्रांजेक्शन कर रही है, T2। तो T2 का टाइम स्टैम्प कितना है, 200। तो 0 और 200 में से मैक्सिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 200। तो आप इसको यहां पे अपडेट कर दो। बस इस तरीके से आप करते जाओ। थर्ड ऑपरेशन देखो, पहले ये, फिर ये, फिर ये। इस पे आ जाओ, राइट ऑफ सी।
T1 is performing the write of C, तो write के केस में हमने rule number 2 पे जाना है, कौन कर रहा है, T1 issues the write on C, मैंने पहले ही बताया, ये generally A के लिए लिखा है, लेकिन A, B, C आप अपने according change कर लो, तो write of C operation, अब इस केस में हम check करेंगे, what is the write, read timestamp of C, सबसे पहले आप read timestamp of C check करो, 0, तो 0 greater than, what is the timestamp of this transaction, what is the timestamp of T1, 100, 0 greater than 100 है? नहीं. Next operation पे आ जाओ. इस केस में हम दो बार क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि write का conflict read और write दोनों के साथ होता है. Read का तो सिर्फ write के साथ होता है ना, तो एक ही बार चेक किया. लेकिन write का read और write दोनों के साथ होता है, तो आपको ध्यान से दोनों बार ही चेक करना है. तो write timestamp of C निकालो. What is the write timestamp of C? 0. तो 0 greater than 100 है, दोनों ही conditions false हो रही हैं, तो otherwise पे आ जाओ, otherwise execute the write successfully, मतलब write of C successfully, and what is the write timestamp of C, ध्यान रखना, A पे मत चले जाना, C पे जाना, according to your data you have to change, तो write timestamp of C कितना हो गया, what is the timestamp of T1, T1 कर रही थी, तो timestamp of T1 कितना है, 100, तो हमने इसके according update कर दिया, then next operation है read of B, T3 is performing the read of B. तो आ जाओ. T3 is performing the read of B. चेक क्या करेंगे? Write timestamp of B. What is the write timestamp of B? Write timestamp of B is 0. Greater than. What is the timestamp of the transaction? The timestamp of the transaction is 300. तो 0 greater than 300? Not possible. तो यहाँ पे set मतलब otherwise पे आ जाओ. Otherwise successful read of B. Successfully इसको execute कर दो. And what is the read timestamp of B? Read timestamp of B जो है वो update हो जाएगा. हाँ इस case में देखो पहले ये कितना है 200 है. पहले ये 200 है. और जो transaction कर रही है उस transaction का timestamp कितना है 300. ये कर रही है ना तो इसका timestamp कितना है 300. तो देखो 200 और 300 में से maximum कौन सा है 200 और 300 में से maximum है 300. तो यानी इसको आप update कर दो 300 में. B का timestamp change हो गया, ध्यान रखना 300 हो गया according to this formula. Next, read of C. कौन कर रहा है? T1. T1 is performing the read of C. तो read के केस में हम क्या चेक करते हैं? पहला rule, write of C. What is the write timestamp of C? Write timestamp of C पे आते हैं. Write timestamp of C is 100. 100 greater than what is the timestamp of this transaction? इस transaction का जो transaction कर रही है उसका timestamp कितना है? 100. तो क्या 100 greater than 100 है? नहीं, false. Equal to नहीं है, याद रखना सिर्फ greater than है. तो 100 greater than 100 no. Equal to होता तब true हो जाता. तो false हो गया. तो execute कर दो read of C. तो जैसे ही हमने read of C execute कर दिया, तो maximum of read of C. तो what is the read timestamp of C? 0. तो 0 और 100 में से 0 और 100 में से maximum कौन सा है? 100. तो यानी इसको आप क्या कर दो 100 में update कर दो. Next. Write of B. कौन कर रहा है? T2. T2 is performing the write of B. तो write of B के केस में हम क्या चेक करते हैं? Second rule पे आ जाओ. What is the read timestamp of B? What is the read timestamp of B? Read timestamp of B is 300. 300 greater than what is the timestamp of this transaction? कौन कर रहा है? T2 कर रही है. तो T2 का timestamp कितना है? 200. क्या 300 greater than 200 है? Yes. True हो गया ये. और जैसे ये ट्रू हुआ हमने यहां पे इसको क्या करना है रोल बैक. किसको रोल बैक? जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. कौन कर रहा है ये ऑपरेशन? T2 परफॉर्म कर रहा है. तो T2 को क्या कर दो रोल बैक. यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको शेड्यूल दिया होगा 3 ट्रांजैक्शन का 4 का 2 का भी दे सकते हैं. तो कौन सी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो रही है ये आपको पता लगाना है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो 4 ऑप्शन होंगे ये निकालो. अब इस केस में होता क्या है ये ट्रांजैक्शन रोलबैक होगी तो इसकी सारी वैल्यूज को हमने क्या कर देना नेगलेक्ट कर देना. अब ये ट्रांजैक्शन फ्यूचर में दोबारा स्टार्ट होगी T3 के बाद दोबारा स्टार्ट होगी विद अ न्यू टाइमस्टैम्प वैल्यू. ये तो सबसे पहला सलूशन इसका कि इस ट्रांजैक्शन का क्या बनेगा कुछ नहीं बनेगा रोलबैक कर दो नेक्स्ट टाइम दोबारा स्टार्ट होगी विद अ न्यू टाइमस्टैम्प. दूसरा पॉइंट क्यों हो रहा है व्हाई व्हाट इज द रीजन. रीजन है ये मैंने क्या बोला था ऑल द रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो रीड और राइट तो कॉन्फ्लिक्ट यहां भी है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम कहां पे होगी रीड किसने किया
यंगर ने रीड किया और ओल्डर कहती है कि मैं उसको अपडेट कर दूंगी, अपडेट करके ओल्डर तो चली जाएगी क्योंकि हमारा रूल क्या है, हमेशा मैं किस रूल को फॉलो कर रहा हूं, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ये अज्यूम करके चलो, तो ये पहले आया था, इससे पहले आया और ये पहले जाएगा, ये अपडेट करके चला गया, इसकी वैल्यू को जो इसने रीड किया उसको ये अपडेट करके चला गया, तो ये किस वैल्यू पे काम कर रहा है, obviously ये किसी गलत वैल्यू पे काम कर रहा है ना, इसने लेट से 1000 किया रीड, ये अपडेट कर गया, इसने 2000 कर दिया उसको और कमिट होके चला गया, कमिट का मतलब क्या है, डेटाबेस में हमने सेव कर दिया 2000, वेयर इज 1000, 1000 कहीं पे है ही नहीं, तो ये किस डेटा पे काम कर रही है, गलत डेटा पे काम कर रही है, तो हमने इसको रोकना है, हमेशा याद रखना, तीन केसेस मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, तो तीनों केसेस आपको याद होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, आपको ये तामझाम की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब दो तीन क्वेश्चन कर लोगे ना तब आपको इजीली समझ आएगी, अभी नहीं समझ आ रही होगी, तो यहां पे एक दो बार दोबारा से चेक करना, वीडियो को दो बार रीड करना, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है सच में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको मैंने बिल्कुल डायरेक्ट इसका पूरा निचोड़ ही बता दिया, बिल्कुल समरी बता दी, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन रोल बैक हो रही है, तो T2 रोल बैक हो रही है, इसको रोल बैक कर दो, लेकिन अब कंप्लीट कर लेते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन बचा था, राइट ऑफ ए बचा था, इसको कंप्लीट करो, तो राइट ऑफ ए कौन कर रहा है, T3 is doing the write of A. तो T3 is doing the write of A. तो हमने चेक करना पहले read timestamp of A. What is the read timestamp of? Read timestamp of A is 100. तो 100 greater than कौन कर रहा है? T3 कर रहा है. तो T3 का timestamp कितना है? 300. True है false? False. Next आ जाओ. What is the write timestamp of A? What is the write timestamp of A? Zero. Zero greater than कौन कर रहा है? Write of A 300 वाली. True है false? False. तो next, otherwise execute the write of A successfully. What is the right timestamp of A? Right timestamp of A क्या हो जाएगा? जो transaction कर रही है. कौन transaction कर रही है? 300 वाली कर रही है. तो right timestamp of A कितना हो जाएगा? 300. यानी T1 successfully, T3 successfully, लेकिन T2 rollback हो गई. तो ये main concept है. और हमेशा याद रखना कि ये मत कहना कि सर यहाँ पे read और write भी तो conflict है. याद रखना सिर्फ हम यंगर और ओल्डर के केसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं. यंगर अगर पहले रीड राइट कर रही है और ओल्डर बाद में उसके बाद अगर रीड राइट करना चाहती है, नहीं करने देना. बस ये केसेस जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए उसको लिख लेना और उन्हीं केसेस को आपको याद रखना है. तो आई थिंक कि ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं इससे आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा. दोनों वीडियो को अच्छे से चेक करना और इसके ऊपर मैं आपको फर्दर जो है क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा, उसको आप ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आंसर जो है वो शेयर कर सकते हो. थैंक यू.